आप सभी को डॉक्टर रजनी रमण झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 21 श्लोकों तक पारायण कर लिया था, अब हम इससे आगे चलते हैं। आपको पिछला याद दिला दें कि एक भ्रमर है जो शकुंतला की तरफ बार बार आ रहा है, शकुंतला उसको हटाना चाहती है, वो हटता नहीं है। तब वह उन दोनों सखियों को अनसुया और प्रियंवदा को कहती है कि इसको हटाओ, यह मुझे परेशान कर रहा है। तो वो दोनों कहती हैं, हम कौन होती हैं तुम्हारी रक्षा करने वाली, राजा दुष्यंत को पुकारो, क्योंकि तपोवन वासियों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। तो इतना सुनना था कि राजा यह समझता है कि अब ये सामने आने का अवसर आ गया, तो वह उन सब के सामने चला जाता है और यह कहता है कि पूर्ववंशी दुष्यंत के रहते शासन करते कौन है ऐसा जो कि तपस्वी इन बोली भाली कन्याओं को परेशान कर रहा है। इतना तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके ऐसा कहकर वह प्रकट हो जाता है उनके सामने। जो पेड़ की ओट में था राजा, वह उन तीनों कन्याओं के समक्ष प्रकट हो जाता है। तो सर्वा राजानम दृष्ट्वा किंचिदिव संभ्रांता, सभी राजा को देखकर कुछ घबरा जाती हैं। अनुसूया आर्य न खलु किमपत्याहितम यम नो प्रिय सखी मधुकरेणा विभूय माना कातरी भूता, कि हे आर्य, यह और कोई ज़्यादा विपत्ति नहीं आई है, अत्याहित कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, किंतु ये जो हमारी प्रिय सखी है शकुंतला, यह मधुकरेणा अभिभूय माना, यह भौरे से तंग हो रही है, परेशान हो रही है, व्याकुल हो रही है, इसलिए यह भौरे से परेशान होकर व्याकुल हो गई है। इति शकुंतलाम दर्शयति, ऐसा कहके शकुंतला को दिखाती है। राजा शकुंतला विमुखो भूत्वा, राजा शकुंतला की ओर मुख करके कहता है, अपि तपो वर्धते, तपस्या बढ़ रही है ना, यानी एक तरह से यह जैसे क्या हालचाल है, तो उसी तरह से यह है कि अभी एक तपस्वी कन्या से यही पूछा जा सकता है कि अभी तपोवर्धते, तपस्या ठीक ठाक चल रही है, तपस्या बढ़ तो रही है ना, तपस्या में कोई बाधा तो नहीं है ना। शकुंतला साधु साध वचना तिष्ठति, शकुंतला जो है वह साधु साध लज्जावश घबरा कर अवचना बिना कुछ बोले खड़ी रहती है। अनसुया इदानीम अतिथि विशेष लाभ है ना, अब अनसुया कहती है, अनसुया गंभीर है उन तीनों में, वो कहती है कि हाँ अब आप जैसा अतिथि आ गया तो हमारी तपस्या जरूर बढ़ने लगी है। हला शकुंतले गच्छोट अजम, हे शकुंतले उटज में जाओ, यानी कुटिया में जाओ, फल मिश्रम अर्घम उपहरा, फल मिश्रित अर्घ ले आओ, फल मिश्रित अर्घ ले आओ, यानी कुछ जब कोई अतिथि आता है तो उसको अर्घ देते हैं, यानी कुछ खाने पीने के लिए देते हैं, उसको अर्घ कहते हैं, तो फल मिश्रित अर्घ ले आओ। और इदम पादोदकम भविष्यति, और चूंकि घड़े में जल है ही तो यह पादोदकम या पांव धोने के लिए जल हो जाएगा। तो राजा कहता भवती नाम सुनृतयैव गिराकृतम आतिथ्यम, आपकी मीठी वाणी से ही मेरा आतिथ्य सत्कार हो गया। प्रियंवदा तेन ह्यस्याम प्रच्छा शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायाम मुहूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करुत्वार्यः, तो ये जो सप्तपर्ण वेदिका, सप्तपर्ण नाम का वृक्ष है, उसके चारों तरफ एक वो बैठने के लिए चबूतरा जो बनाया गया उसको सप्तपर्ण वेदिका कहेंगे। तो सप्तपर्ण वेदिका पर बैठकर जो आपके आपकी थकान है उसको दूर कर लीजिए। राजा नूनम यूयम अप्यनेन कर्मणा परिश्रांता, आप भी तो ये जो पानी देने का काम है घड़े से पौधों में, उससे तो आप भी परिश्रांत हो गई होंगी।
थक गई होंगी। अनसुया, हला शकुंतले उचितम नह पर्युपासनम अतिथि नाम। तो अनसुया कहती है कि हमें शकुंतला, हे शकुंतला, हमें अतिथि के बात को मानना चाहिए और यहाँ बैठ जाना चाहिए। उचितम नह पर्युपासनम अतिथि नाम, अतिथि के सेवा के लिए उसके पास बैठना चाहिए। अत्रोप विषामः, यहाँ बैठ जाती हैं। इति सर्वा उपविशन्ति, ऐसा करके सभी बैठ जाती हैं। शकुंतला आत्मगतम, किम नु खल्विमं प्रेक्ष्य तपोवन विरोधनो विकारस्य गमनीयास्मि संवृत्ता। अब तप शकुंतला अपने आप को कहती है कि इसको देखकर तपोवन विरोधी विकार को प्राप्त हो गई हूँ। यानी तपोवन में रहने वाले का गुण क्या है? मन का संयम। लेकिन शकुंतला का मन विचलित हो रहा है, इसलिए वह कहती है कि ये तपोवन विरोधी विकार को प्राप्त हो गई हूँ, यानी मेरा मन विचलित हो रहा है। राजा सर्वावलोक, अहो समवयो रूप रमणीयम भवती नाम सौहार्दम। आपका जो सौहार्द है, यह आपके आपकी उम्र और रूप के समान ही समान है, रमणीयो रमणीय है, सुंदर है। यानी आप तीनों देखने में भी एक जैसी हैं और आप तीनों का जो उम्र भी एक जैसी लग रही ही है और आप तीनों का सौहार्द भी इस कारण से एक जैसा होने के कारण रमणीय लग रहा है, सुंदर लग रहा है। प्रियंवदा जनांतिकम, अनसूये कोनु खल्वेश चतुर गंभीरा कृतिर मधुरम प्रियमालपन प्रभाववान लक्षते। हे अनसूया, ये कौन है जो इसके चेहरे पर चतुर और गंभीर आकृति है जिसकी, और मधुर और प्रिय बोल रहा है और इस कारण से प्रभाववान इव लक्ष्य से, प्रभाववान, ये जिस ऐसा लगता है जैसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति है ये। तो उसके बाद शकुंतला कहती है, हृदय आत्मगतम, हृदय मोत्ताम्य, हे हृदय उतावले मत बनो। एषा त्वया चिंतिता अनसूया मंत्रयते, जो तुम सोच रही थी वही अनसूया बोल रही है। राजा आत्मगतम, कथम इदानीम आत्मानम निवेदयामि। राजा अपने आप को कह रहा है कि कैसे मैं अपना परिचय दूं, कथम वात्मापहारम करोमि, और कैसे अपने आप को छिपाऊं। मतलब मैं दुष्यंत हूं तो यह कहूंगा कि मैं दुष्यंत राजा हूं तो ये तुरंत घबरा कर चली जाएंगे यहां से। तो मुझे अपना परिचय भी देना है और अपने को छिपाना भी है। भवतु एवं तावदेनाम वक्षे, तब मैं इनको इस प्रकार से कहता हूँ। किस प्रकार से? प्रकाशम, भवती हे देवियों, यह पौरवेण राज्या धर्माधिकारे नियुक्त सोम विघ्न क्रियोपलम्भाय धर्मारण्यमिदम आयातः, कि मैं पूर्वंशी राजा ने जो धर्माधिकारी मैं नियुक्त किया गया हूँ, पूर्वंशी राजा दुष्यंत के द्वारा मैं धर्माधिकारी नियुक्त किया गया हूँ और मैं यहाँ पर अविघ्न क्रियोपलम्भाय, कि आप लोगों की निर्विघ्न क्रियाओं को जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यानी यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है यह जानने के लिए आया हूँ। अनसुया सनाथा इदानीम धर्मचारिणः, तो अनसुया कहती है कि हम लोग जो धर्म का आचरण करते हैं, हम अब सनाथ हो गए, यानी अच्छा हो गया हमारे साथ, आप आए तो। सख्यो, दोनों सखियाँ उभयोराकारम विदित्वा जनांतकम, हला शकुंतले यद्यत्राद्यतातः सन्निहितो भवेत। तो दोनों सखियाँ शकुंतला और दुष्यंत के रूप को देखती हैं और कहती हैं यद्यत्राद्यतातः सन्निहितो भवेत, यदि इस समय तात कण्व ऋषि यदि होते तो। शकुंतला कहती है ततः किम भवेत, तो क्या होता? तो सख्यो इमं जीवित सर्वस्वे नाप्यतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति, तो इस अतिथि विशेष को अपना जीवन सर्वस्व सौंप कर कृतार्थ करते। देखो कितनी घुमाकर बात कही गई है,
जीवन, कर्ण का जीवन सर्वस्व कौन है? कर्ण का जीवन सर्वस्व है शकुंतला। तो इस अतिथि विशेष को शकुंतला को सौंपकर कृतार्थम कृतार्थ करते, तो शकुंतला कहते युवाम अपेतम किमपि हृदय कृत्वा मंत्रिये थे, जाओ तुम दोनों, कुछ भी मुंह में कुछ भी हृदय में रखकर बोलती हो, नव युव योर वचन शोष्यामी, मैं तुम दोनों की बातें नहीं सुनती हूँ। राजा वयम अपि तावत् भवत्यो सखीगतम किमपि पृच्छामः, तो राजा कहता है कि मैं भी आपकी आप दोनों की सखी के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। सख्यो आर्य अनुग्रह इवेयम अभ्यर्थना, हे आर्य आपकी जो अभ्यर्थना है, ये जो याचना है, ये प्रार्थना है, ये आपका अनुग्रह है हमारे ऊपर, आपकी कृपा है हमारे ऊपर। राजा भगवान काश्यप शाश्वती ब्रह्मणी स्थित इति प्रकाशः, भगवान काश्यप तो ब्राह्मण है, शाश्वत ब्राह्मण है, यह तो सब जानते ही हैं। यम च वह सखी तदात्मजेति कथम एत, तो ब्रह्मचारी हैं, ऐसा कहना चाह रहे थे, भगवान काश्यप तो ब्रह्मचारी हैं, तो आपकी यह सखी उनकी पुत्री कैसे हो गई? तो अनुसूया कते श्रोणोत्वार्य अस्ति कोपि कौशिक इति गोत्र नाम धेयो महाप्रभावो राजर्षि, कि हे आर्य सुनिए, कोई कौशिक नाम के, कौशिक गोत्र नाम के महाप्रभावो राजर्षि, महान प्रभाव रखने वाले राजर्षि हैं। राजा अस्ति श्रूयते, हाँ है। तो उसके बाद आगे वो कहती है अनुसूया तमावयो प्रिय सख्या प्रभोम अवगच्छ, उसी से हमारी शकुंतला का जन्म हुआ है, ऐसा समझिए आप, उन्हीं को आप हमारी सखी का पिता समझें। उज्जिताया शरीर संवर्धनाद नादि भी स्तात काश्यपोश्चा पिता, और चूंकि यह छोड़ दी गई थी इसलिए इसके शरीर का पालन पोषण करने के लिए करने के कारण से तात काश्यप जो हैं यानी कण्व ऋषि जो हैं वे इसके पिता हैं। राजा उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम आमूलाद श्रोतुम इच्छामि, छोड़ दी गई ये जानकर मैं मुझे कुतूहल हो रहा है, मैं मूल आमूलाद शुरू से सुनना चाहता हूँ। अनसुया कते श्रृणोत्व आर्य, सुनिए आर्य, गौतमी तीरे पुरा किल तस्य राजर्षे रुग्रे तपसी वर्तमान से किमपि जात शंकर देवैर मेनका नाम अप्सरा प्रेषिता नियम विघ्न कारिणी, कि ये जो जिस राजर्षि के बारे में आपको हमने पहले बताया वे उग्र तपस्या में लीन थे, तभी देवों को ऐसा लगा कि उनका राज्य छिन जाएगा, ऐसी शंका में उन्होंने मेनका नाम की अप्सरा को भेज दिया जो कि नियम विघ्न कारिणी, जो तपस्या को भंग करने वाली थी। राजा अस्ते तद अन्य समाधि भीरुत्वम देवानाम, हाँ देवताओं का अन्य की समाधि से भीरुत्व तो देखा जाता है, डरपोकपन देखा जाता है कि कहीं हमारा राज्य न ले लिए। अनसुया ततो वसंतोदार समय तस्या उन्माद इत्री रूपम प्रेक्ष इत्यर्धोक्ते लज्जया विरमति, तब वसंत के उदार समय में, विशिष्ट समय में, रमणीय समय में उसके उन्मादक रूप को देखकर ऐसा कहकर अनसुया जो है इत्यर्धोक्ते लज्जया विरमति, लज्जा से लड़की थी वो, उसको पूरा नहीं बोला गया तो वो लज्जा से रुक गई। राजा परस्तज्ञायत एव, उसके बाद तो जाना ही जान ही समझ ही लिया, सर्वथा अप्सरा संभवेशा, ये शायद ये सर्वथा अप्सरा की पुत्री है। अनुसूया कहती अथ की माँ, और क्या, हाँ अप्सरा की ही पुत्री है। राजा उपपद्यते, ठीक बात है, मानुषीषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभव न प्रभा तरल ज्योति हृदयति वसुधातला, ठीक बात है बिल्कुल, मनुष्यों में इस तरह के रूप की संभावना कहाँ, मनुष्यों में इस तरह का रूप उत्पन्न हो ही नहीं सकता, जैसे प्रभा से चंचल बनी हुई ज्योति प्रभा के कारण अपनी चमके अपनी चमक के कारण चंचल बनी हुई ज्योति वसुधा तल से पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं होती है, यानी आकाश में ही वह उत्पन्न होती है, कौन जो दीप्यमान प्रकाश जो है, या तो सूर्य से आएगा, तारा से आएगा, चंद्रमा से आएगा, या आकाश में जो बिजली है उससे आएगा,
तो देदीप्यमान प्रकाश जो है पृथ्वी तल से कैसे उत्पन्न हो सकता है। शकुंतला धूमुखी तिष्ठति, शकुंतला सिर झुकाकर खड़ी है। राजा आत्मगतम लब्धावकाशो में मनोरथ है, मेरा मनोरथ अब अवकाश प्राप्त हो गया, यानी उसमें गुंजाइश बन गई। क्या यह एक बात तो यह तय हो गई कि यह काश्यप की पुत्री नहीं है, यह पुत्री है कौशिक विश्वामित्र की। विश्वामित्र क्षत्रिय थे इसलिए यह भी क्षत्रिय हो गई, तो इसलिए अब मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए अब मेरे लिए गुंजाइश हो गई कि मैं इसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करूँ, मैं इससे विवाह करने की इच्छा रखूँ। किंतु सख्या परिहासोदाहृताम वर प्रार्थनाम श्रुत्वा धृत द्वेध भावकातरम में मन, परंतु सखी के द्वारा हंसी में कथित वर प्रार्थना को सुनकर मेरा मन द्विविधा में पड़ा हुआ होने से अधीर हो रहा है। यानी यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि सखी ने उदासी मतलब हंसी में जो कहा था कि यदि तात काश्यप यहाँ होते तो अपना जीवन सर्वस्व दे देते, तो ये हंसी में कहा, उसने मजाक में कहा, तो इसलिए अब पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, ऐसा सोचकर मेरा मन द्वैत में पड़ा हुआ है और इसके कारण से व्याकुल हो रहा है। प्रियंवदा सस्मितम शकुंतलाम विलोक्य नायकाभिमुखी भूत्वा पुनरपि वक्तु काम इवार्यः। प्रियंवदा पहले तो शकुंतला को देखती है और फिर वापस दुष्यंत को देखती और कहती है कि आप और कुछ कहना चाहते हैं क्या, आर्य आप और कुछ कहना चाहते हैं क्या। शकुंतला सखी मंगली अंगुलिया तर्जेती, शकुंतला अपनी सखी को उंगली दिखाकर तर्जेती धमकाती है, अच्छा मैं तुमको देख लूँगी वाली बात। तो राजा सम्यक उपलक्षितम भयभत्या, आपने ठीक समझा, अस्ति न सच्चरित श्रवण लोभादन्य भी प्रष्टव्यम, मैं इनके चरित्र के लोभ से और कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रियंवदा अलम विचार अनियंत्रणानुयोग तपस्वी जनो नाम, कुछ विचार करने के आवश्यकता नहीं है, तपस्वी जनों से अनियंत्रणानुयोग अनियंत्रण बिना किसी संकोच के अनियोग पूछा जा सकता है, उनसे किसी प्रकार का प्रश्न किया जा सकता है। इस तरह से हमने आज थोड़ा आगे पढ़ा, 23वां श्लोक प्रारंभ होने से पूर्व तक पढ़ा। अब हम इसको यहाँ पर रोकते हैं और अगले सप्ताह हम द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। धन्यवाद।